झांसी की रानी। यह कहानी एक महान स्वतंत्रता सेनानी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की है। भारतवर्ष के नक्शे पर एक छोटा सा शहर झांसी है। माता पिता की एक लौती संतान मणिकर्णिका। पिता बहुत विद्वान और स्वतंत्रता सेनानी में क्रांतिकारी होते हैं। लोग उन्हें प्यार से मनु कहते हैं और उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में होता है। वह बचपन से ही तीव्र बुद्धि की होती हैं। शास्त्रों के साथ उन्हें शस्त्र विद्या का भी ज्ञान होता है। वह सारे शस्त्र में निपुण होती है। बरछी ढाल और तेज तलवार ये उनके पसंदीदा शस्त्र होते हैं। 14 वर्ष में उनका विवाह झांसी के महाराज गंगा राव के साथ किया जाता है और उन्हें नया नाम रानी लक्ष्मीबाई दिया जाता है। विवाह के कुछ वर्ष पश्चात उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। पूरे महल में जश्न का माहौल होता है, पर ये ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाता क्योंकि केवल 4 माह की आयु में ही वह बच्चा मर जाता है और पूरी झांसी उदास हो जाती है। कुछ समय पश्चात ही राजा गंगाधर राव भी बीमार रहने लगते हैं और लंबी बीमारी से जूझते हुए एक दिन वे मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, पर उनके आखिरी शब्द होते हैं, ये झांसी तुम्हारी है, तुम्हें इसे बचाना होगा। उसी समय बिना संतान के राजा की मृत्यु के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने योजना बनाई कि हम सभी उस निसंतान राज्य को हड़प लेंगे। उस वक्त के गवर्नर लॉर्ड डलहौजी एक बहुत ही निर्दयी व्यक्ति था और निसंतान राज्य को ब्रिटिश कंपनी अपने अधीन कर लेती थी। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को ब्रिटिश राज्य के कब्जे से बचाने का संकल्प लिया और एक आत्मसेना का निर्माण किया। उन्होंने झांसी के लोगों को एकजुट किया और अंग्रेजों के खिलाफ योजना बनाई। राजनीति और युद्ध कौशलता के कारण उन्होंने सारी महिलाओं को इस क्रांति में शामिल किया, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया, हथियारों से खेलना, वार करना और जीतना, इस सब का परीक्षण दिया। 1857 की क्रांति के दौरान लक्ष्मीबाई ने अपने राज्य की रक्षा के लिए वीरतापूर्वक संघर्ष किया। उन्होंने ब्रिटिश राज्य के खिलाफ कई सफल युद्ध लड़े और झांसी को बचाने के लिए कठिन प्रयास किए। रानी लक्ष्मीबाई ने एक मजबूत सेना का निर्माण किया, अपनी युद्ध नीति और कौशलता से युद्ध के मैदान में कदम रखा। तभी अंग्रेजों ने उन्हें चुनौती दी कि अपने कदम पीछे कर लो, हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। झांसी की रानी ने हुंकार भरते हुए कहा, मैं झांसी की रानी इस धरती माँ की बेटी हूँ और मेरे होते हुए कोई भी फिरंगी इस झांसी को हाथ नहीं लगा सकता। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। झांसी की रानी ने अपने पुत्र को अपने पीठ पर बांध के बाद एक अंग्रेजों की जान लेनी शुरू कर दी। अपने नोकीले तलवार से, अपनी गर्जना और अपने साहस के दम पर उन्होंने बहुत सारे अंग्रेजों को मार गिराया और अपनी झांसी का पंचम लहराया। लक्ष्मीबाई ने वीरता के साथ सबका सामना किया और अंत में लहूलुहान हो जाने के बाद आग में कूदकर अपनी जान दे दी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उनका मृत शरीर भी अंग्रेजों के हाथ लगे। और इस तरह एक घमासान युद्ध में उन्होंने दोनों हाथों से तलवार चलाई, बहुत सारे अंग्रेजों को मार गिराया, उनके घमंड को चूर किया और वीर गति को प्राप्त हो गई। उनकी हार के बाद भी झांसी की रानी को घर घर में सम्मान दिया गया। उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका साहस बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के लिए एक प्रतीक बन गया। लक्ष्मीबाई ने न केवल झांसी की रक्षा की बल्कि भारतीय महिला शक्ति और स्वतंत्रता की नई मिसाल पेश की। उनकी वीरता और संपन्नता को हमेशा याद किया जाएगा और हमेशा भारतवासियों के दिल में वह अमर रहेगी। Share and subscribe for more amazing story updates. Thank you for watching.